दोस्तों नमस्कार। समीर कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम 6 अमेजिंग एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो जिनका यूज करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोफेशनल की तरह काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहला नंबर में यहां जैसे मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के रखा हूं, इसको हम डुप्लीकेट कैसे बनाए, मतलब डुप्लीकेट करने का ट्रिक सीखेंगे। तो इसे हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम इस कॉर्नर में इस जगह जाएंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से इसका डुप्लीकेट होते जाएगा। इसी तरह से हम जितना जगह चाहें उस जगह इसे इस फाइल का डुप्लीकेट बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम इसी फाइल को हम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि हम इसे सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद में हम सेम उसी तरह से यहाँ पे हम पकड़ेंगे, उसके बाद में माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद में इसको हम जहां शिफ्ट करना चाहें वहां इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहां से इस जगह में ले जाता हूँ, इस जगह में आ गया। तो ये है एक्सेल ट्रिक्स एक जगह से दूसरे जगह डाटा को मूव करना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। अब दूसरा देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ एक फॉर्मेट बना के रखा हूं, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि इधर सीरियल नंबर है, इधर आइटम नेम है। तो यहाँ पे मैं जितना भी आइटम डालते जाऊंगा, जैसे कि प्रिंटर इस टाइप का, तो ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर अप्लाई होते जा रहा है। तो ये हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे कि मैं इसको डिलीट करूंगा तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हम इसे कैसे ऑटो फिल करेंगे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इसे हटा देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ कोई फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, सबसे पहले डालूंगा इक्वल। इक्वल डालने के बाद में यहां डालेंगे सीक्वेंस। ये नीचे में आ गया, इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ हम जैसे चाहें कि हमें सीक्वेंस में 1 से 20 तक चाहिए सीरियल नंबर, तो हम यहाँ कोष्टक के बाद में यहाँ हम 20 डालेंगे, उसके बाद कोष्टक बंद करेंगे। तो सिंपली हम यहां से इंटर करेंगे तो 1 से 20 तक सीरियल नंबर लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से ये सीरियल नंबर लग गया। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम आइटम नेम डालते जाएंगे, यहाँ सीरियल नंबर लगते जाना चाहिए। तो यहाँ हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद में सिक्वेंस यहाँ नीचे में आ गया, इसे हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद में कोष्टक ओपन हो गया है, तो यहाँ हम डालेंगे कोंटा, यहाँ नीचे में आ गया है, इसे हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ डालेंगे ये जो मॉनिटर है, ये हमारा कौन सा कॉलम में है, तो सी कॉलम में है, तो सी डालेंगे। उसके बाद में इधर नंबरिंग क्या है, इसका 4 है, तो हम 4 डालेंगे। 4 डालने के बाद में हम डबल डॉट डालेंगे। डॉट डालने के बाद में हमें सीरियल नंबर कितने तक चाहिए, 100 200, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं डाल रहा हूँ C 200। तो दोस्तों यहाँ 200 डालने के बाद में पहला कोष्टक क्लोज करेंगे, उसके बाद में जो पहला वाला कोष्टक है उसे भी हम क्लोज करेंगे। उसके बाद में सिंपली यहाँ से इंटर कर देंगे, तो ये ऑटो फिल सीरियल नंबर अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो ये इधर लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर आते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें एक फायदा है, जैसे कि हम कोई रो को हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक सीक्वेंस में आ जा रहा है, इसे सीक्वेंस में करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये 2 नंबर जैसे मैं अभी डिलीट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहां से सीपीयू हट गया, इधर सीरियल नंबर 1 2 3 4 कंटिन्यू शो हो रहा है। तो दोस्तों आप भी
इसी तरह से फॉर्मूला लगा के सीरियल नंबर का ऑटोफिल कर सकते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों थर्ड नंबर, यहां मैं एक डायग्राम बना के रखा हूं, इसमें हम करेंगे इंसर्ट टारगेट लाइन इन चार्ट। तो हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे तो लेकर के, उसके बाद में हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में उसके बाद में हम चले जाएंगे कॉलम चार्ट में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से चार्ट बना हुआ है। तो हम इसे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, इसका जो सेल है वो यहाँ कॉलम चार्ट में अप्लाई हो गया है। तो हम यहाँ पे निकालना है हमें टारगेट, तो हम सिंपली इसे डिलीट कर रहे हैं यहां से। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे टारगेट, टारगेट हम ले रहे हैं मान लिया 80 लेते हैं। 80 लेने के बाद में हम यहाँ पूरे इस सेल में अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में हम इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में हम कॉलम चार्ट में जाएंगे, यहाँ हम चार्ट अप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो ये ब्लू वाली दिख रही है वो यहाँ ये सेल वाली कॉलम की है, और ये जो सेकंड नंबर वाला है ये है टारगेट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो टारगेट है इस तरह से दिख रहा है। इसे हम जो टारगेट लाइन है इसे हम चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ देखेंगे दोस्तों चेंज सीरीज चार्ट टाइप, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सेल का इस कलर में है और टारगेट का इस कलर में। तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ हम लाइन वाली चार्ट लेंगे, इसमें से हम जो चाहे वो ले सकते हैं। तो चलिए हम ये वाली ले रहे हैं। लेने के बाद में हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ अप्लाई हो गया है, उसके बाद में हम यहाँ ओके कर देंगे तो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे जो हमारा जो टारगेट का जो लाइन है वो इस तरह से शो हो गया। तो यहाँ हम मान लिया टारगेट को जैसे किसी में हम चेंज करेंगे, जैसे कि मान लिया मैं यहाँ 100 डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों उस जगह में जो टारगेट का लाइन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 120 दोस्तों, आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरह से जो टारगेट का लाइन है वो अप्लाई होते जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इंसर्ट टारगेट लाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ एक डायग्राम लिया हुआ हूँ। तो दोस्तों ये जो डाटा है इसे हम तीन तरह से डाटा को हाइड कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखिए इसमें। तो दोस्तों जैसे कि हम इसे कंट्रोल से सिलेक्ट कर रहे हैं, करने के बाद में हम जाएंगे दोस्तों होम पेज में। होम पेज में जाने के बाद में यहाँ देख रहे हैं दोस्तों नंबर में, यहाँ हम नंबर फॉर्मेट यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम इसमें सबसे नीचे में जाएंगे कैटेगरी में कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद में हम दोस्तों यहाँ देखेंगे टाइप में जनरल लिखा हुआ है, इसे हम सिंपली यहाँ से हटाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे डबल डॉट डालेंगे, यहाँ पे दो बार ये डालेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये जो यहाँ नंबर है ये हाइड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो नंबरिंग था वो हाइड हो गया है। उसके बाद में सिंपली हम दोबारा से जाएंगे वहीं दोस्तों, उसके बाद में हम यहाँ कस्टम में जाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे जो वर्ड में लिखा हुआ है इसे हमें हाइड करना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे एस, उसके बाद में हम डबल डॉट तीन बार डालेंगे, उसके बाद में हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो नंबरिंग है ये शो हो रहा है और जो वर्ड में जो लिखा हुआ था वो यहाँ से हाइड हो गया है। उसके बाद में दोस्तों हम ये जो पूरा कंटेंट है इसे पूरे को हाइड करना चाहेंगे तो हम इसे भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ जाएंगे नंबर फॉर्मेट में, यहाँ क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद में हम यहाँ जनरल को हटाएंगे, हटाने के बाद में यहाँ हम डालेंगे डबल डॉट तीन बार, उसके बाद में हम यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो जितने कंटेंट थे वो पूरे हाइड हो गए हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे तो कुछ इस तरह से डाटा हाइड कर सकते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट जाएंगे, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा
ये जैसे कोई भी ये डाटा ओपन करेगा तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन शो होगा, जैसे भी ओपन करेंगे इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो आप इसमें देखेंगे। तो हम जाएंगे दोस्तों डाटा में, डाटा में जाने के बाद में हम जाएंगे यहाँ डाटा वैलिडेशन में। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्लियर ऑल कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ से सिंपली मैं ओके कर दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो नोटिफिकेशन जो शो हो रहा था वो यहाँ से हट गया है। यहाँ हम जैसे एक्सेल खोलेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होना चाहिए, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डाटा में। डाटा में जाने के बाद में यहाँ जाएंगे हम डाटा वैलिडेशन में, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ जाएंगे इनपुट मैसेज में, यहाँ हम टाइटल में डालेंगे जैसे कि है। उसके बाद में यहाँ पे मैसेज डालेंगे नीचे में, हम जो भी डालना चाहें जिस तरह से। उसके बाद में सिंपली हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम जब भी एक्सेल ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो जैसे कि हम इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, उसके बाद में इसे हम बंद करते हैं। बंद करने के बाद में हम इसे फिर दोबारा से ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो कुछ इस तरह से आप एक्सेल में नोटिफिकेशन को शो कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। तो दोस्तों आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो आगे जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि मैं इंग्लिश में यहाँ कुछ नाम लिखा हुआ हूँ, तो ऐसे ही जैसे कि बहुत सारा नाम रहेगा और इसको हमें तुरंत में हिंदी में टाइप करना है तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका भी सिंपल तरीका है कि हम इसे बहुत ही आसानी से जो इंग्लिश में टाइप है इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे हम सिंपली कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम जाएंगे गूगल क्रोम में, यहाँ हम लिखेंगे सीट डॉट न्यू में, इंटर कर देंगे। इंटर करते के साथ में यहाँ पे एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम आगे वाले सेल में यहाँ क्लिक करेंगे, हिंदी में करने के लिए यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ इक्वल डालेंगे, इक्वल डालने के बाद में हम यहाँ लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट, यहाँ नीचे में आ रहा है तो इसे हम डबल क्लिक करके ले लेंगे। उसके बाद में पुस्तक ओपन करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ जो नाम है इसे हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ हम कोमा देंगे, उसके बाद में यहाँ पे सामने दिख रहा है सोर्स लैंग्वेज, तो यहाँ कौन सी लैंग्वेज में है वो यहाँ डालेंगे। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन करेंगे, उसके बाद में जो यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश, तो यहाँ हम डालेंगे ई एन। उसके बाद में हम डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, उसके बाद में सिंपली हम यहाँ से कोमा करेंगे। उसके बाद में अगला आ रहा है हमें किस फॉर्म किस लैंग्वेज में चाहिए, टारगेट क्या है आपका, तो यहाँ हमें करना है हिंदी में। यहाँ हम डालेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ हिंदी के लिए हम लिखेंगे एच आई। उसके बाद में हम डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, उसके बाद में हम सिंपली कोष्टक क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये यहाँ पे डल गया है, तो हम सिंपली इसे इंटर कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो इंग्लिश में था वो यहाँ पे हिंदी में लिख के आ गया है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ सेलेक्ट करके ये नीचे में यहाँ पकड़ के हम तो नीचे की तरफ पूरे सेल में इसे ब्रेक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे जो हम इंग्लिश में लिखे हैं वो यहाँ हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद में दोस्तों हम इसे सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ जो जहाँ पे हम टाइप किए थे वहां चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में हम सिंपली इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो इंग्लिश में था वो यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से इंग्लिश टू हिंदी एक्सेल में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों
आपको ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।